हरियाणा के रोहतक में अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए 102 साल के बुजुर्ग को बैंड बाजे के साथ बारात निकालनी पड़ी, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में उसे मुर्दा घोषित कर दिया गया है और पिछले 6 महीने से उसकी बुढ़ापा पेंशन बंद है। जब बुजुर्ग शहर में से अपनी बारात लेकर निकला तो लोग देखते ही रह गए। अपनी बारात लेकर बुजुर्ग रोहतक के केनार रेस्ट हाउस पहुंचा, जहां पर हरियाणा के पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर मौजूद थे। बुजुर्ग की समस्या को देखते हुए मनीष ग्रोवर इधर उधर अधिकारियों को फोन मिलाते हुए नजर आए और आखिरकार अधिकारी रेस्ट हाउस में ही बुजुर्ग की समस्या का समाधान करने के लिए दौड़ते हुए पहुंच गए। पहली बात तो यह है, लाखों जो बुजुर्ग हैं हरियाणा में जिनकी पेंशन गलत तरीके से सरकार ने काट दी है, हजारों ऐसे लोग हैं। मेरे पास तो इतने फोन आ रहे हैं कि भाई हम आर्डर भी दिखा रखे, इस गांव में भी मर्या दिखा दिया। ये भी 102 साल का बुजुर्ग है, नाम है दुलीचंद और जिंदा है। यो बुढ़ापा पेंशन नहीं दी जा सरकार ने, तो कोई बात नहीं, नमारो भी क्या दी हो। और हम यहाँ पर आए थे, हमने पता चला अगर रोहतक का मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहा है तो हम रोहतक के मुख्यमंत्री मनोज ग्रोवर जो है उनके पास आए थे। तो अब वो यहाँ, हालांकि मना किया गया था कि नहीं है यहाँ कोई नहीं, लेकिन यहाँ थे। अब हम तो बैंड बाजा बरात और मारा लगा दादा और सरकार का है फूफा, हम ये बताने आ गए थे। फूफा दुलीचंद, सरकार का फूफा दुलीचंद अभी जिंदा है। जिंदा है ना? जिंदा। ए बेटो का ठाक बता। हाँ जिंदा है ना? हाँ, जो जिंदा है भाई देख लो, इसने इसने बता रहा कि मर रहा है। और हम यहाँ पे इसलिए आए थे, आप ये जाओगा वापस जब जब यहाँ से ये कह देंगे हाँ भाई पेंशन गांधी राजान से पहले इसका काम हो गया, और ना तो रेस्ट हाउस में रेस्ट करेंगे। बारात आ रही है तो या तो फर्ज भी है, रेस्ट भी करा रहा है, रात बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसलिए हम ये बात कर रहे हैं, ये मामला है, इस सरकार को हम ये कहना चाह रहे हैं अगर जो ये अंधेरगर्दी ये ठीक नहीं है। कहीं पे भी बूढ़े हैं वे दुखी, या आज वे बूढ़े किसान वो के नाम है अपने रोडवेज वाले हैं वे दुखी, मतलब वो रोडवेज वाला भी मार दिया उसका छोरा, मतलब कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब मैकेनिज्म इनका कुछ नहीं है, जंगल राज है। वो सारे हड़ताल में बैठे हैं, उनकी हड़ताल ही गलना भी हम था भाई, क्योंकि उसके छोरे ने भी सुसाइड कर ली क्योंकि उसका भरोसा नहीं था कार्रवाई होगी। तो भाई हम तो आ रहे हैं अड़े और जाओगे जब जब अड़े कार्रवाई हो जाए। अभी भरोसा भरोसा के अब रोहतक के मुख्यमंत्री ने कही तो है, हरियाणा के ना कही है, वो बेरा पट जाएगा। वो रोहतक का मुख्यमंत्री है कि ना कि मैं चल पुल है ना हूँ हाथ पल्ला है कि मैं सही को ना हूँ किल की मारे हैं हम तो। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया हमारे तक और नु गए भाई करवाऊँ, तो अड़े बैठे हैं, अड़े रहना है। हाँ अड़े रहेंगे, 102 साल का ये भी हम सरकार ने 6 महीने का टाइम थोड़ी देंगे। लोग आज का काल का नहीं, बेराजीर्ण मरण का। 102 साल का आदमी है, मारा दिखा रखा है सारे डॉक्यूमेंट रहे। तो ये एक अकेला मामला नहीं है, मेरे पास इतने फोन आ गए इस मामले के बाद, 100 फोन तो मेरे दोहरा लिए। अग मारी भी काट दी भाई, मारी भी काट दी, और वे धक्के खावे हाड़े डिपार्टमेंटा में। क्यों खावे धक्के भी डिपार्टमेंटा में किस लिए? और जिसने यहाँ गड़बड़ करी है उनके ऊपर कार्रवाई करो, ये बूटा ने क्यों दुखी करो यार, कम दाम शर्म कर लो यार। ये कितने 102 साल का आदमी क्या करेगा बता, जवान आदमी तो चल नहीं चाहता ढंग, तो इतनी बूंदी तो गर्मी हो रही। रेस्ट हाउस में पहली बार इस तरह की बारात रोज आओगे अड़े बजे की, रेस्ट हाउस में ही रेस्ट करा रहे हैं जिनकी समस्या होगी। ये कौन है पर पिटले शिटले अड़क होना चल रहा है, रेस्ट हाउस ही भी हो जनता का होगा, अड़े समस्या आओगे आगे भी ध्यान रखियो। थर दर को समस्या रही हो बता दियो, और किसा हो ऐसा कांड कर रखा हो इसकी से कह ले बता दियो, हम आर्डर रेस्ट हाउस में बैठा के करवाओगे कार्रवाई। देखो मेरे 2014 से लेकर
2022 तक, अभी तक ये केस मेरा पहला मेरे सामने आया है। जो लोग आप कह रहे हो चक्कर काट रहे हैं, ऐसे लोग आपके चैनल के माध्यम से और नवीन जैन जैसे सामाजिक लोग अगर ऐसे कोई इशू लेकर आते हैं, हम उसका समाधान कराएंगे। और किस कारणों से जैसे इनको बुजुर्ग को मृत दिखाया गया है, और मेरी आपके चैनल से माध्यम से प्रशासन से मांग है, क्या उनके खिलाफ़ जिस अधिकारी ने ये हरकत की है उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी पेंशन बहाल होनी चाहिए। एज ए रोहतक का नागरिक होने के नाते, एज ए भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष होने के नाते, जो 60 साल के ऊपर के पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो रूल हैं सरकार के, वो बिल्कुल तय हैं, उनको मिलेगी। अगर किसी ने ये श्राद्ध की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लापरवाही जब दो आप तीसरे महीने तक दे रहे हो मार्च के, और नौवां महीना आ गया, 6 महीने के अंदर आपके आईडी के अंदर इसको मृत घोषित है। इसलिए ये कंप्यूटर की गलती है, स्टाफ की गलती है। वो अभी एडीसी महेंद्र जी आ रहे हैं, जिस काम को वो देख रहे हैं, वो देख कर उनकी जो भी है इसकी जांच करा के जो दोषी उसके खिलाफ मैं मांग रखता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए। देखो इनकी ना फैमिली आईडी मैंने देखी है, जो पहली फैमिली आईडी है, बेसिकली ट्रिपल पी बनने का तरीका ये है कि ट्रिपल पी में एक फॉर्म होता है, उसमें वो सारे परिवार के लोग अपना पर्टिकुलर्स भर के देते हैं, फिर परिवार के मुखिया के हम साइन कराते हैं कि ये पर्टिकुलर्स ठीक हैं क्या, उसके आधार पर उन्होंने साइन करके दिया हुआ है। तो उसमें वो फैमिली आईडी में पहले वो जिंदा दिखाए गए हैं, फिर वो दूसरी एक करेक्टेड फैमिली आईडी दिखा रहे हैं जिसमें उनको मृत घोषित दिखाया हुआ है, मतलब जिनमें उनका नाम नहीं है। वो हम चेक करना चाह रहे हैं कि दूसरी फैमिली आईडी किसने वेरीफाई करके दी है और किसने करेक्ट कराई है, जिसके आधार पे इनकी फैमिली आईडी में इनको मृत दिखा दिया है। तो वो मैंने कहा कि एक दरखास्त दे दो, इन्होंने दे दी है, तो वो हम जो प्रोसीजर है ऑनलाइन प्रोसीजर है उसके तहत उसकी वेरीफिकेशन करा के भिजवा देंगे। देखो वो किसी ने करेक्ट कराया होगा, फैमिली मेंबर ने फॉर्म दिया होगा, क्योंकि जो पहली फैमिली आईडी है ठीक है उसमें वो जिंदा है, तो करेक्शन का प्रोसेस है ना, कि जैसे आपकी शादी हो गई, परिवार में कोई दुर्घटना हो गई, कोई नौकरी लग गया, इनकम बढ़ गई, तो वो करेक्शन का प्रोसेस है, वो आप अपडेशन या करेक्शन गई है, तो वो कैसे हुआ है वो देखना पड़ेगा। तो आप ये जिंदा है तो री वेरीफिकेशन होगी, री वेरीफिकेशन के बाद इनका, क्योंकि जिंदा है आपने हमने भी देखा है, तो ये चली जाएगी ट्रिपल पी में ठीक होके, इसके बाद ट्रिपल पी के आधार पे फिर इनकी पेंशन शुरू हो जाएगी। इनकम की भी बात करें तो इनकम, देखो इनकम में भी नहीं, सुनिए प्रोसेस ये है कि परिवार का मुखिया साइन करके देता है, तो जब फैमिली आईडी बने तो परिवार के मुखिया को बिल्कुल देख के साइन करना चाहिए। और हम बार बार यही कहते थे कि आप अपने परिवार की सारी जो फैमिली है, सारे मेम्बरान की आप एंट्रीज को कृपया चेक करें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बहुत क्रूशियल डॉक्यूमेंट होने वाला है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने पता नहीं किस वजह से कर दिया, पर करेक्शन का मोड अभी खुला है, सबका स्वागत, ठीक है।